और तालिबान सरकार पर पाकिस्तानी सेना का चौंकाने वाला बयान आया है। पाकिस्तानी सेना के चीफ जनरल बाजवा ने कहा कि अफगानिस्तान में तालिबान सरकार बनने के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर भी हमले बढ़ गए हैं। देखिए, पाकिस्तान जो तालिबान को पालने पोसने में लगा है, उसको अत्याधुनिक हथियारों को मुहैया कराने में लगा है। तालिबानी लड़ाकों के वेश में कई जगहों पर पाकिस्तानी सेना के जवान लड़ाई लड़ रहे हैं। तालिबानी लड़ाकों को ISI ट्रेनिंग दे रही है। वही तालिबान अब पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के लिए भस्मासुर बन गया है। इसके लड़ाके अब पाकिस्तानी सेना को निशाना बना रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद पाकिस्तान में आतंकी हमले में 64 लोगों की मौत हुई, जिसमें पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के 22 जवान शामिल हैं, जिसकी जिम्मेदारी तहरीके तालिबान ने ली है। अब पाकिस्तान ने तालिबान से TTP पर लगाम कसने को कहा है। तालिबान पर पाकिस्तानी कथनी और करनी में काफी अंतर है और दोहा वार्ता पर पाकिस्तान बड़ा गड़बड़ झाला भी करने वाला है। इससे दुनिया के कई देशों के फिलहाल टेंशन बढ़ गई है। पाकिस्तान तो एक तरफ पंजशीर की लड़ाई में अपना हाथ होने से इनकार कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ दोहा वार्ता से छेड़छाड़ में लगा हुआ है। पाकिस्तान ने दुनिया की अपील को दरकिनार कर दिया है। तालिबान अपनी पुरानी राह पर ही चल रहा है, जिसके बाद से अमेरिका, रूस, ब्रिटेन की सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां सतर्क हो गई हैं। अमेरिका, ब्रिटेन और रूस को इस बात की खुफिया जानकारियां भी मिली हैं कि पाकिस्तान ने सीधे तौर पर तालिबानियों की सत्ता में दखल देना शुरू कर दिया है, जिससे तालिबानियों के बीच तो खून खराबा बढ़ेगा ही, बल्कि अफगानिस्तान की जमीन से आतंकवादियों को भी बढ़ावा मिलेगा। अफगानिस्तान को लेकर अमेरिका और पाकिस्तान के मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। तालिबान पर दोनों देशों के रुख में काफी अंतर दिखने लगा है। इस रिपोर्ट में आपको पूरी जानकारी देते हैं। पाकिस्तान अपना हित साधने के लिए तालिबान के लिए घूम घूम कर पैरोकारी कर रहा है। तालिबान को मौका देने के लिए पाकिस्तान विदेशी सरकारों के सामने पैरवी कर रहा है। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने चीन, ईरान, ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान जैसे देशों से बातचीत की है। अमेरिका ने पाकिस्तान के इस कदम पर कड़ा एतराज जताया है। अमेरिका ने कहा कि तालिबान ने जो नई सरकार बनाई है, उसकी उम्मीद पूरी दुनिया को नहीं थी। तालिबानी सरकार में जो मंत्री शामिल हैं, उसमें कई आतंकियों की लिस्ट में शामिल हैं। लेकिन पाकिस्तान इस पर सवाल उठाने की जगह इनकी वकालत करने में लगा है। सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।